इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIT इंस्टीट्यूट में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे दोस्तों ढेर सारी वैकेंसी आई है। इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पसंद आएगा दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये इसका जॉब लोकेशन जो है आपका पटना बिहार में होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर बात की जाए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 47 रखी गई है। ऑनलाइन जो है फॉर्म को फिलअप करना है 29 नवंबर 2023 जो इसकी लास्ट डेट है। तो इम्पॉर्टेंट डेट एक बार अगर आप जान लेते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है 28 नवंबर तक, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटआउट लेके आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो है भेजना है। एड्रेस जो ऑलरेडी दिया गया है, तो 7/12/2023 जो इसकी लास्ट डेट है पहुँचने की। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आई है और क्या एज लिमिट रखी है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो सुपरिटेंडेंट पोस्ट आई है, जहाँ पे 30 साल एज लिमिट रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 साल, टेक्नीशियन के लिए 27 साल, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट के लिए 27 साल जो है रखा गया है। ये सब जो है जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे OBC और जो बाकी कैटेगरी है SC ST उसके लिए 5 साल छूट और OBC के लिए 3 साल छूट दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये का है, SC ST के लिए 200 रुपये का है। और यहाँ पे दोस्तों फॉर्म जो है आपका पेमेंट है ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप वैकेंसीज़ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम जो है सुपरिटेंडेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 पोस्ट आई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है 11 पोस्ट है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज़ दिख रही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसमें आप 18 पोस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट आई है, और जो ऑफिस अटेंडेंट है उनके लिए 7 पोस्ट आई है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, देखिए जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए जो है BE BTEC मांग रखा है। BSc भी यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट है अगर ब्रांच की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें जो है 12th पास के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। और यहाँ पे जो है 12th पास के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th पास के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उनके टाइपिंग में, और ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी 12th पास का कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप सैलरी देखोगे तो जो सैलरी है ग्रेड पे काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए जो है 4200 का ग्रेड पे है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4200 का ग्रेड पे है, 2000 ग्रेड पे जो है टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है दोस्तों 2000 ग्रेड पे है, और ऑफिस अटेंडेंट के लिए 1800 का ग्रेड पे रखा गया है। अब दोस्तों फॉर्म को जो है आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको प्रिंटआउट लेना है। प्रिंटआउट लेने के बाद दोस्तों इस एड्रेस पर आपको सेंड करके भेज देना है। तो ये देखिए एड्रेस ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्म जो है खुल चुका है और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। हालांकि दोस्तों ये जो फॉर्म है दोस्तों गूगल फॉर्म के टर्म पे है, तो आपको बस फिलअप करके इसका प्रिंटआउट लेके और जो डॉक्यूमेंट है उसको जो है आपको इस एड्रेस में, आपको ऑलरेडी एड्रेस दिख रहा है उस एड्रेस पे जो है सेंड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी ये एड्रेस दिया गया है। कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए फिलअप कर रहा हूँ, मैंने जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट कर लिया। नाम डालिए, फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका अपना एज बताना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस बताइए कि मैरिड है कि नहीं, जेंडर डालिए, आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसका देखिए दोस्तों परमानेंट एड्रेस में आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पर एड्रेस जो है बताया गया कि इस प्रकार जो आपको डालना है, तो आप अपना एड्रेस जो है कुछ इस प्रकार डालेंगे। हालांकि ये जो परमानेंट एड्रेस इनका जहाँ पे आपको भेजना है, लेकिन दोस्तों आपको अपना एड्रेस जो है इसी प्रकार जो है डालना है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसके दोस्तों क्रॉस्पोंडेंस एड्रेस आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए, एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी है आप येस नो में जो है यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में करते हैं तो यस नो में जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे जो है दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं वो करना है, इसका नेक्स्ट दबा के फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, बाकी पेमेंट एप्लीकेशन पेमेंट फ़ी के लिए जो है आपको पेमेंट के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो देखिए ये लिंक है जिसको आपको देख रहे हैं स्क्रीन में, तो इस प्रकार दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ी पेमेंट करने के लिए पे फी पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पे फी में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी नाम आ जाता है, ब्रांच यहाँ पे आ जाती है, तो देखिए आपको अपना ब्रांच यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आपका डालना है और ये कैप्चा कोड डाल के बाकी जिस प्रकार आप पेमेंट करते हैं उस प्रकार पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एनआईटी पटना का। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आपको पसंद आया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कम समय में और कम शब्दों में भी यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग भी हम हेल्प करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि आप जितना लाइक करेंगे जितना व्यू वो बढ़ाएंगे उतना जो है हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।